दोस्तों आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, इस मोबाइल में मार्शमेलो, इसमें लॉलीपॉप, इसमें नोगार्ड, इसमें ओरियो, या फिर इस कंप्यूटर में विंडोज 7, इसमें 8, इसमें 10, या फिर मैक ओएस, आईओएस, इनके बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार टेक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पूरे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगाए उन्हें कंट्रोल करता है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक फोटोशॉप है, आप फोटोशॉप के अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। कंपनी ने जो प्लगइन दिया है उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दूसरा कोई प्रोग्राम आपके फोटोशॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते। मगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक फोटोशॉप की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर आप जो मर्जी उसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास कोई आपका कैमरा है उसे आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आपको उस कंप्यूटर को बताना होगा कि मुझे ये कैमरा काम में लेना है। उस कैमरे का जो ड्राइवर है वो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। उसी के बाद आपका कंप्यूटर उस डिवाइस को एक्सेस कर पाया क्योंकि आपने उसे इन्फॉर्मेशन दी है कि ये डिवाइस इसी प्रक्रिया के जरिए एक्सेस हो सकता है। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका अगर ये प्रिंटर काम में लेना है तो ये इस ड्राइवर के जरिए आप इस प्रिंटर को काम में ले सकते हैं। अगर ये कैमरा काम में लेना है या फिर वो कुछ और काम में लेना है या फिर स्कैनर काम में लेना है तो उसके हिसाब से वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी ड्राइवर्स जो आपने इंस्टॉल किए हैं उन्हें एक्सेस करता है, उसके जरिए उसे इन्फॉर्मेशन भेजता है। क्योंकि सभी कंपनियों के अलग अलग ड्राइवर होते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, इसलिए अलग अलग ड्राइवर्स भी बनाने पड़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इतने सारे कंपनियों के ड्राइवर्स को इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए आपको उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। इतने सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होकर जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस नहीं हुआ करता था, उन्हें सिर्फ कमांड की के जरिए काम में लिया जाता था। मगर अब इन्हें माउस आ चुका है, इससे आप इन्हें और आसानी से काम में ले सकते हैं। इनके ग्राफिक इंप्रूव हो चुके हैं, अब आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जैसे कि विंडोज 10, एंड्रॉयड का ओरियो और आईओएस 10, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप आसानी से काम में ले सकते हैं। ये सब मिलकर बनता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।